मेरा नाम नेत्र दीपा पाटिल। मैं कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में शिरोर गांव में आशा वर्कर के रूप में काम करती हूँ। 10 वर्ष हो गए मैं आशा के रूप में यहाँ पर कार्यरत हूँ। 200 लोग, 200 उनके कुटुम्ब, हाँ, अच्छा 1000 के लोगों का हम केयर करते हैं। पहले तो हमारे काम का जो अवर था 2 घंटे या 3 घंटे हम काम करते थे और हम अदर का काम करते थे, लेकिन जब से वो COVID-19 शुरू हो गया है तब से पूरे COVID-19 का 6-7 घंटे वो सर्वेक्षण करने में निकल जाते हैं हमारे, और लोगों को अवेयर करना पड़ता है, लोग कहाँ कौन कहाँ से बाहर क्षेत्र से कोई आया है क्या, उनको कुछ लक्षण है क्या, और जो क्वारंटाइन होम जिनको होम क्वारंटाइन किया है उनको टेम्परेचर देखना, उनका टेम्परेचर देखना, उनको हाथ पर सिक्के थंब करना कि वो क्वारंटाइन रहने के लिए, और उनको अवेयर करना कि अगर कुछ भी उन्हें होता है तो हमें तुरंत से हमें जानकारी दे दे और हम उसके जानकारी हेल्थ डिपार्टमेंट को दे दे, और ये हमें ये अवेयर लाते कि COVID-19 में मास्क कितना जरूरी है, कैसे पहनना चाहिए, सैनिटाइजर का उपयोग कैसे करना चाहिए, और हमें हाथ किस तरह से कैसे धोने चाहिए, ये सब चीजें पे हम उनको अवेयर कर रहे हैं। मैं जिस गांव में रहती हूँ 25,000 लोग यहाँ पर रहते हैं। कोविड शुरू होने से पहले तो लोग इतना सरकारी दवाखाने की तरफ आते नहीं थे, मतलब हमें उनको मोटिवेट करना पड़ता था कि आप चलिए ओ इधर ये सुविधा ही है, ये सुविधा है, लेकिन जब से COVID-19 शुरू हुआ है प्राइवेट हॉस्पिटल तो पहले शुरू थे ही नहीं, अभी अभी तो थोड़े थोड़े शुरू हो गए हैं, तो सारे के सारे लोग वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जा रहे हैं। लोग ऐसे बोल रहे हैं कि अभी तो लॉकडाउन है, हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, जिन लोगों को हम बताते थे कि अरे हमारे इधर ये सुविधा है आप चलो उधर, तो वो लोग हाँ ठीक है ऐसे बोल के लास्ट एंड में वो प्राइवेट में चले जाते थे, डिलीवरी के पेशेंट के लिए या फिर किसी और चीज के पेशेंट के लिए, जब हम उनको कहते थे कि हमारे हॉस्पिटल में ये सुविधा है आप चलो, तो वो तब नहीं मानते थे, लेकिन अभी लोग हमें खुद पूछने आ रहे कि जैसे कि अभी रेन रेन शुरू हुआ है तो बहुत ज्यादा डेंगू मलेरिया के पेशेंट आ रहे हैं और लोगों के पास उसके ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं रहे, तो वो लोग हमें पूछने आ रहे कि सरकारी दवाखाने में कि यह सुविधा है क्या, और हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं है तो हम ट्रीटमेंट वहां पर ले सकते हैं क्या, तो वो लोग सारे लोगों को हम सरकारी दवाखाने में भेज रहे हैं। उनके इधर कोविड सेंटर है यहाँ पर, आपके जहाँ गांव में पर क्या? पहले नहीं था हाँ लेकिन अभी नया शुरू हुआ है पिछले मंथ, जहाँ पर स्वाब लिए जाते हैं लोगों के, हाँ यहाँ पर नया नहीं, वो मतलब एक स्कूल है शायद और उसको कोविड सेंटर में रूपांतरित किया है। एक्चुअली कोविड सेंटर में हमारा काम नहीं है, हमारा काम तो एरियाज में है जहाँ पर हम रहते हैं, और एरियाज की सारी इंफॉर्मेशन किस गांव अदर गांव से कोई आया है क्या, अदर स्टेट से, अदर डिस्ट्रिक्ट से अगर कोई आया है तो उसके डे टू डे हम एक्टिव सर्वेक्षण करते हैं, और रोज 50 या 100 घरों तक हम जाते हैं, उस घर में नया कोई आया है क्या ये हम जानकारी पूछते हैं, और वो जानकारी हम नोट डाउन करके वो हम उनका रिपोर्ट करते हैं कि, और अगर कोई आया है तो वो अभी तो मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर लोग आ रहे हैं ना, अच्छा जो शहरों में लोग थे वो सब अब गांव में आ रहे हैं, तो वो उनको क्वारंटाइन उनको हम हॉस्पिटल भेज देते हैं, वो जाकर उनका स्वाब देकर आए, और अगर हॉस्पिटल ने बताया कि होम क्वारंटाइन रहे तो आप होम क्वारंटाइन रहे, या फिर यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल अगर क्वारंटाइन में वो लोग उन्होंने सजेस्ट किया तो आपको वहां पर रहने पड़ेगा, अगर वो होम क्वारंटाइन रहते हैं तो होम क्वारंटाइन के लोगों को हमें 14 दिन तक ऑब्जर्व करना पड़ता है, रोज उनका टेम्परेचर कैसा है, उनको कुछ लक्षण कोविड के लक्षण है या नहीं है ये सब नोट डाउन करना पड़ता है, और ये छोड़ के भी अदर लोगों को जो नॉर्मल लोग हैं ये क्वारंटाइन किए हुए जो लोग आए हुए वो छोड़ के अदर हर घर में
किसी को सर्दी जुकाम या कुछ है क्या, लक्षण है क्या, ये काम भी करना पड़ता है हमें। और हाई रिस्क की हमें लिस्ट बनानी पड़ी है, अभी पढ़ रही है, जो कि 1 से 10 के बच्चे जिनकी इम्यूनिटी पावर कम होती है, तो उनकी लिस्ट अलग से बनानी है हमारे घर 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 में जाकर। और जो 50 बरस के ऊपर के लोग हैं उनकी लिस्ट अलग सी बनानी है, वो बनाई है हमने। और उनमें से भी बीपी किसको है, शुगर किसकी है, किसको है, या बीपी शुगर वाले, या फिर थायराइड, या फिर अदर जो उनको बीमारी है, जो रिस्क में लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी पावर कम है, उनकी भी अलग से लिस्ट बनाई है। नहीं, पहले तो ट्रेनिंग हमें जूम ऐप के द्वारा बाद में मिला, लेकिन हमारा काम तो उससे पहले शुरू हो गया। मार्च से लेकर हमारा काम शुरू हो गया, और हम ट्रेनिंग करी मैडम अप्रैल में हमारा ट्रेनिंग हो गया उसका। हाँ। जूम ऐप के द्वारा ट्रेनिंग हो गया, और हमें कुछ भी नहीं मिला था। हमने यूनियन की तरफ से डिमांड की कि हमें सैनिटाइजर मास्क दिए जाए और ग्लोव्स दिए जाए, तो ग्लोव्स नहीं मिले, सिर्फ सैनिटाइजर, वो भी मांग मांग के, हर बार डिमांड देके देके 500 ml के 2 बार मिले। और मास्क वो कपड़ों का वो कसले कपड़ा कॉटन का कपड़े का मास्क मिला। दिन में तो, आपको मास्क मिलता है एक ही मास्क आपको रोज उसका? हाँ, वही धोकर हमें यूज करना पड़ता है, वही धोकर हमें। हाँ, कॉटन के मास्क हमें धोकर वही क्वालिटी अच्छी। नहीं, क्वालिटी इतनी सिंगल यूज के है, वो इतनी क्वालिटी अच्छी नहीं है उसकी। हमने N95 मास्क की रिक्वायरमेंट की थी, लेकिन वो हमें मिली नहीं। लेकिन अभी सीईओ की मीटिंग हो गई, उन्होंने बोला है कि हर आशा को 4 मास्क दिए जाए। हमने ये मांग की थी कि जहाँ पर कंटेनमेंट जोन है, या पर जहाँ पर अभी पेशेंट निकल रहे हैं, कम से कम वहां पर तो उस आशा को N95 मास्क मिलने चाहिए, ग्लोव्स मिलने चाहिए, सैनिटाइजर और पीपी किट मिलने चाहिए। लेकिन ये कहीं जगह पर, बहुत ज्यादा जगह पर नहीं मिलता है, नहीं प्रोवाइड कर रही गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रैल, मई और जून 3 महीने के लिए 1000 रुपीज, मतलब 3 महीने का 3000 रुपीज मिला। लेकिन हमारा काम तो मार्च से शुरू हो गया, मार्च का कुछ नहीं दिया उन्होंने, और अभी जुलाई शुरू हुआ है, उसका मिलने वाला है कि नहीं पता नहीं है। तो वन डे के लिए वो 33 रुपीज पर डे का हिसाब उसका पड़ता है, तो कोई भी खुश नहीं है। एक तो हमारे घर के लोग भी कहते हैं कि आपको अगर उसके पैसे भी नहीं मिलते हैं, और उसका सम्मान भी, उसका जो प्रोटेक्शन है वो भी नहीं मिलता है, तो आपका क्यों काम कर रही है? आप लोगों के साथ जाते हो तो आप लोगों के वजह से हमारे घर में कोरोना आ जाएगा, तो आप वो जॉब छोड़ दीजिए, ये भी बर्डन हमारे ऊपर आ रहा है। तो ये सब हम फेस करके इस समाज में जाकर ये काम करते हैं। गवर्नमेंट हमारे तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है, उनको कुछ पड़ी नहीं है कि हम किस तरह से काम करें, किस तरह से। आज ही एक न्यूज आई है कि ये काम का जो वर्कलोड बढ़ा है, उसकी वजह से एक आशा की डिप्रेशन, मतलब और तनाव की वजह से उसकी मृत्यु हो गई, जब वो सर्वे करने चली गई थी। क्योंकि रोज 50 या 100 लोगों के घर पर जाना इतना आसान नहीं है, तो बैक पेन शुरू हो गए, मुझे खुद को बहुत ज्यादा बैक पेन शुरू हो गया इसकी वजह से, और धूप में काम करने की वजह से एसिडिटी बहुत ज्यादा हो गई है वो तबीयत, और एनर्जी लेवल वो डाउन हो गई है, मतलब बहुत ज्यादा तबीयत अभी हमें बहुत ज्यादा खराब हो रही है इसकी वजह से। ऊपर से बहुत ज्यादा प्रेशर है, आज ये रिपोर्ट चाहिए, कल ये रिपोर्ट चाहिए, और रात के 10 बजे भी 11 बजे भी इनके व्हाट्सएप पे, हमारे व्हाट्सएप नंबर है तो उस पे कल तक ये रिपोर्ट आना चाहिए, ऐसे रिपोर्ट भी देना पड़ता है। तो सर्वेक्षण करके घर में आकर भी ये लेकर बैठना पड़ता है कि इसका रिपोर्ट वो सारे नोट डाउन करके, वो अलग करके, वो सारे आंकड़े हमें उनको भेजने होते हैं। और जो लोगों को
50 वो ऊपर बरस के ऊपर के जो लोग हैं उनको मेडिसिन भी हमने ही बांटा है. तो जो पत्रक है वो भी हमें करना है, डिटेल्स भी हमें लेने हैं, वो पत्रक भी हमें ही देने हैं. क्वारंटाइन के लोगों को भी हमें ही ऑब्जर्व करना है. हर कोई पेशेंट को कोई लक्षण आते हैं क्या, ये हमें ही डायग्नोसिस करना है. और हमारे बताए हुए आंकड़ों पर ही ये सब ऊपर के जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके ऊपर ये सब उनका जो करना है नियोजन करना है वो करते हैं. फिर बहुत ज्यादा आशा वर्कर को बीपी शुगर भी शुरू हो गया है. बहुत जिनको नहीं था वो ट्रेस की वजह से बीपी शुगर शुरू हो गया. हर कोई काम बताता है, ग्राम पंचायत काम बताती है, ग्राम सेवक काम बताता है, हेल्थ डिपार्टमेंट का तो हम काम कर रही है, इधर कलेक्टर ऑफिस से भी काम अलग अलग से अलग अलग तरह के काम बता रहे हैं, तो उसका भी ट्रेस है. हम खुद का रूटीन का काम करें या फिर ये कोविड का काम का सर्वेक्षण करें या फिर अलग अलग की जो जो डिमांड हो रही है वो काम करें, हम समझ में नहीं है, समझ नहीं पा रहे कि हम किस किस प्रकार के और कितने काम करें. एक एक व्यक्ति एक दिन में कितना काम करे इसकी कुछ लिमिट होनी चाहिए, वो कुछ भी तय नहीं किया. हर किसी को लगता है, मुझे एक अधिकारी के रूप में जिसको लगता है कि मुझे आज ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तहसीलदार हो या फिर तालुका ऑफिसर हो या फिर मेडिकल ऑफिसर हो या फिर सीईओ हो या जिला डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हो हेल्थ या फिर कलेक्टर हो, जिसको भी मन में आता है तब वो अलग अलग रूप से हमें इन्फॉर्मेशन आती है कि आज ये चाहिए कल वो चाहिए. तो हमें इस तरह से उधर घूमना पड़ता है, मतलब ये सर्वेक्षण किया फिर ये इन्फॉर्मेशन देनी है फिर इधर जाना है फिर उधर जाना है. मेरा नाम माया विनायक पाटिल है, मेरा गांव कुटवाड़ है, डिस्ट्रिक्ट कोल्हापुर है. मैं 2009 साल यानी तकरीबन 10 साल से आशा वर्कर का काम कर रही हूँ. मेरे गांव में 2500 लोकसंख्या है मेरे गांव की, और मेरे गांव में दो आशा वर्कर काम करते हैं, मैं और एक दूसरी है माधवी, हम दोनों काम करते हैं हमारे गांव में. कोविड से पहले हम ट्रैक्टर इंडिकेटर पर काम करते थे, वो हमारा रूटीन का काम था, पर जब से कोविड आया तो हमारा काम बढ़ गया. तो हमें हर रोज होम टू होम सर्वे करना पड़ता था, हर किसी के घर के सामने जाकर उससे पूछना उसके घर में कोई आया है क्या, कहाँ से आया है. मगर लोग डर के कि उन्हें लगता था कि जब हम बताएंगे तो हमें ये लोग पकड़ के ले जाएंगे कि वहाँ इंस्टीट्यूट क्वारंटाइन करेंगे, इसलिए लोग बताते नहीं थे हमें शुरू शुरू में. इसलिए हमें उन पर बहुत सारा उनका मत परिवर्तन करना पड़ा, उनका अवेयरनेस करना पड़ा, फिर जाके वो लोग बता रहे थे. फिर इनसे भी कोई लोग ऐसे थे कि वो नहीं तो नहीं बता रहे थे, मगर हमारे आजू के बाजू के घर पे हमें पूछताछ करते कि इनके घर में कोई आया है क्या. जब हमें किसी पर शक होता तो हम आसपास आजू बाजू वाले लोगों से पूछताछ करते थे. पूछताछ करे तो हमें उन पर थंब लगाना पड़ता था, पर वो लोग मान ही नहीं रहे थे, वो लोग हमसे ही झगड़ा करने लगते थे. क्यों आप कहाँ से मुझे आपको किसने आदेश दिया, हम बताते नहीं, तुम क्या करोगे, जिसको जो करना है करोगे पर हम नहीं बताएंगे. मुझे शुरू शुरू में हर एक गांव में, हमारे गांव में भी और इधर अदर गांव में भी बहुत झगड़े हुए, किसी ने गालियां भी दी, बहुत सारा आशा को झेलना पड़ा लोगों का. फिर जाके उनका जब हमने मतलब परिवर्तन किया तो उन्होंने थोड़ी थोड़ी हमें इंफॉर्मेशन देनी शुरू की. हमने उन्हें ये बताया कि आपने जब हमें जर इंफॉर्मेशन दी तो हम आपको पकड़ के ऊंची इधर उधर नहीं ले जाएंगे, आपको सिर्फ हम ये बताएंगे कि आप अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे और आपकी वजह से अपने कुटुंब को कुछ धोखा महसूस ना हो लिए, इसलिए हम अलग ही रहेंगे, यही हम बताएंगे. आपको कुछ लगा कि सर्दी बुखार हो तो हमें बताएंगे, तो उस पर जल्दी से जल्दी हम इलाज कर पाएंगे और आप पूरी तरह से अच्छे रहेंगे, आपके सेहत के लिए आपके परिवार के लिए पर अच्छा होगा, ये पर हम करते रहे. दूसरी वजह से कि ये सर्वे करते करते हमें अतिसार का भी सर्वे करना पड़ रहा है, तो अतिसार किसमें डिसेंजरी लगी है क्या, उनको ORS देना, उनको जिंक की टेबलेट देना, वो सर्वे करना, उस
का रिपोर्ट सादर करना, उसके वजह से डेंगू सर्वे, क्योंकि डेंगू की भी साथ यहाँ बहुत ज्यादा से चल रही है, डेंगू का सर्वे करने, हर एक का कंटेनर चेक करने, उनको प्रोत्साहन करने, वो कंटेनर दो दिन बाद अच्छे तरह से साफ करे, फिर जिनके जिनके घर में फ्रिज है उन्हें भी बताना पड़ता है कि फ्रिज के पिछले वाला ड्रम है उसका पानी आप निकालते क्या है, कितने दिन में निकालते है, उसमें मच्छर होंगे तो सबको धोखा होगा, ऐसे अलग अलग काम ये कोविड के साथ हमें करना पड़ता है। और इसमें भी हमारा जो रूटीन का काम होता है कि नवजात शिशु का पालन पोषण कैसे करें, तो इस काम के लिए हमें उनका बच्चे का वजन करना पड़ता है, उस बच्चे को कैसे लपेटना चाहिए, ठंडी से उसकी सुरक्षा कैसे करनी चाहिए, सब उस माता को बताना पड़ता है। मेरा नाम सुनीता है, मैं एक आशा वर्कर हूँ, मेरे गांव का नाम कतलूपुर है और मेरा जिला सोनीपत है और पीएचसी हलालपुर है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वो हलालपुर है, हलालपुर के अंडर हमारा गांव आता है। और ऐसे आशा वर्कर मुझे 9 साल हो गए हैं और 9 साल में हम जब बात करें स्वास्थ्य सुविधाओं की तो बहुत ज्यादा सुधार नहीं आया है और उसमें कुछ कमियां आई हैं, उल्टा पिछले 6 साल में जैसे स्वास्थ्य का बजट घटा है उससे काफी नुकसान हुए हैं, जैसे पहले प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए और वैसे भी आम लोगों को देने के लिए आयरन की टेबलेट होती थी पर्याप्त जी। और भी छोटी मोटी बीमारियों की दवाइयां जो है सब सेंटर पे मिल जाया करती थी, लेकिन अब जब से ये सरकार आई है बजट कम किया गया है तब से ये सुविधाएं नहीं है। इवन के कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स के हमें कार्ड बनाने होते हैं एमसीपी कार्ड, वो कार्ड भी हमारे पास उपलब्ध नहीं होते हैं और हर एक प्रेग्नेंट वुमेन को आयरन और कैल्शियम पर्याप्त चाहिए वो भी समय पे नहीं आती है। तो अब काफी पहले से ज्यादा अब क्राइसिस है और इन सब चीजों की जरूरत जो है गांव के स्तर पर लोगों को ज्यादा है, क्योंकि जो ये कम्युनिटी है इस कम्युनिटी में सब तरह के लोग रहते हैं, सभी जातियों के रहते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर लोग जो हैं वो गरीब हैं और वो बड़ी स्वास्थ्य की सुविधाओं तक पहुँच नहीं बना पाते हैं, इसलिए उन्हें हमसे ज्यादा मदद की अपेक्षाएं हैं और वो हमारे हेल्थ सब सेंटर पे पर्याप्त उनको नहीं हो पा रही हैं। आज के दिन हमारा जो गांव है ये 2500 की आबादी है यहाँ पे जी। और हम यहाँ पे कुछ थोड़ा सा हमारे साथ दूसरे गांव को जोड़ा गया है वो ज्यादा बड़ा गांव है, तो हम 1000 की आबादी पे एक आशा वर्कर नियुक्त की जाती है जी। और हम 1000 की आबादी में छोटे बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी, महिलाएं भी, वो सब जोड़ के 1000 की आबादी पे एक आशा वर्कर नियुक्त की जाती है। और मैंने पहले भी बताया सभी जातियां हैं, ज्यादातर गरीब परिवार गांव में रहते हैं। किन जातियों जिनके पास है इस गांव में? इस गांव में हरिजन है, बाल्मीक है, बीसी के जो बैकवर्ड में जो जातियां आती हैं जैसे नाई है, झीमर है, कुम्हार है और ये सारी जातियां इसमें हैं और कुछ मुस्लिम परिवार भी गांव में रहते हैं। ज्यादातर लोग जो है मजदूरी करते हैं, प्राइवेट कंपनियों में जाते हैं, प्राइवेट जो ठेके की नौकरियां हैं उनमें जाते हैं, महिलाएं भी प्राइवेट ठेके की नौकरियों में जाती हैं और कुछ मनरेगा में भी कार्य करते हैं। कुछ जो ये भूमि वाले परिवार हैं, खेती का कोई काम होता है तो वो जो खेती और मजदूर हैं कुछ उसमें भी कार्य करते हैं, यही विशेष संसाधन है इनके। ज्यादातर जो लोग बाहर काम करने जाते थे जैसे सिक्योरिटी गार्ड में काम करने जाते हैं, हॉस्पिटलों में सिक्योरिटी गार्ड है, बिजली के विभाग में ठेके की नौकरी करते हैं या औद्योगिक मजदूर है वो, तो उन सब के जो काम है वो आज के दिन ज्यादातर जो है वो बेरोजगार हो गए हैं, क्योंकि बेरोजगारी का एक मुख्य कारण है उन्होंने जब लॉकडाउन हुआ तो उनको गांव से बाहर नहीं जाने दिया गया जी। हर एक जिले में हर एक डीसी कार्यालय से ये आदेश थे कि कोई भी गांव से बाहर नहीं जाएगा और जब उनको लगातार बाहर नहीं जाने दिया गया और जब उनको रोका गया गांव में ही, तो जो उनके ठेकेदार थे या वो उनके उद्योगों के मालिक थे उन्होंने उनको जो है
बिना पैसे दिए ही उनको काम से निकाल दिया। इसलिए निकाल दिया, वो उस लॉकडाउन के दौरान गांव से बाहर नहीं जा सकते थे और कहीं कहीं चोरी छुपे काम चल रहे थे, जैसे सिक्योरिटी गार्ड का काम है हॉस्पिटलों में, हॉस्पिटल तो सारे खुले हुए थे, उनको ड्यूटी करनी ही थी, तो इसलिए वो नहीं जा पाए, तो उनको मजबूरी वश जो है वो ठेकेदारों ने उनको नौकरी से निकाल दिया। अब थोड़े थोड़ा एक हम देख रहे हैं कि 10-1% लोगों को, 100 में से 10 लोगों को काम मिला है, लेकिन जो 90 लोग हैं उन 90 को काम नहीं मिला है, वो रोज दर बदर भटक रहे हैं काम के लिए, कभी उनको कह देते हैं कल आओ परसों आओ, मिलेगा काम नहीं मिलेगा। विशेष तौर से ये भी है कि उनको जो लॉकडाउन के दौरान तो थोड़ा बहुत खर्च जो है उस समय पे सरकार ने आदेश जारी किए थे कि भाई सबको पैसा देना है, तो थोड़ा बहुत खर्च उनको दिया गया, लेकिन आज उनको वो पहले का हिसाब किताब भी उनका पूरा नहीं दिया गया जो उनका काम किया हुआ पैसा बनता था, और अभी उनको काम से भी निकाल दिया गया है, या अगर उनको कहीं पे रखा जा रहा है तो अब उनको ये कहा जा रहा है, जैसे स्कूलों में ड्राइवर है, यहाँ पे बहुत सारे हमारे गाँव में स्कूलों में गाड़ियां चलाते हैं, क्योंकि दिल्ली नजदीक पड़ती है, बिल्कुल नियर बाई है, तो वो कॉलेजों की स्कूलों की बस चलाते हैं, वहाँ हेल्परी ड्राइवरी करते हैं, तो लॉकडाउन के दौरान तो उनको 5,000 से 7,000 रुपए खर्च दिया गया, लेकिन अब जब लॉकडाउन हट गया है और सरकार कह रही है कि जुलाई अगस्त तक, या ऐसा हो सकता है कि पूरे साल तक स्कूलों को बंद रखा जाए, रखना पड़ सकता है, तो अब जो संस्थान है जहाँ पे वो नौकरी कर रहे थे, अब वो संस्थान उनको सैलरी देने से मना कर रहे हैं, और ये बहुत लंबा टाइम है, और वो ऐसे संस्थान है जहाँ पे ना तो उनका कोई ESI कार्ड है, ना उनका PF काटा जाता है, ना उनको कोई और फैसिलिटी है, और आज के दिन उन सब के सामने भी रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। एक हम मोटा मोटी निकाल लेते हैं कि हमारे परिवार गांव में 300 से 350 परिवार रह रहे हैं, लेकिन 300 से 350 परिवारों में 150 परिवार ऐसे हैं जिन 150 परिवारों को वो भूमिहीन है, उनके पास रोजगार के बहुत कम संसाधन है, और जो केंद्र सरकार द्वारा खाद्य प्रणाली शुरू की गई है उस खाद्य प्रणाली में काफी खामियां हैं। हम जब देखते हैं, अभी मैं लॉकडाउन के दौरान घर में रही, तो वो जो अनाज जिन लोगों को मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल रहा है, केवल 120 परिवार हैं जिनमें जिनको वो अनाज मिल रहा है, और 120 जिनके पास राशन कार्ड सबके पास सुविधा है, ऑनलाइन नए राशन कार्ड बने हुए हैं, लेकिन उनको अनाज नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। वो केवल एक सर्वे हुआ, और वो UPA 2 की सरकार थी तब सर्वे हुआ 2013 में, और 2013 में उसको एक जगह पे एक सतर पे आके सरकार ने बंद कर दिया। जो जरूरतमंद लोग थे वो जरूरतमंद लोग जो है वो रह गए, और मैंने अपने गाँव में एक सर्वे किया तो बिल्कुल जरूरतमंद परिवार जिनकी मैंने एक लिस्ट बना के रखी है, उनमें से 62 परिवार ऐसे हैं जिनको आज के दिन बिल्कुल जरूरत है। उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो विधवा महिलाएं हैं, उनको अनाज नहीं मिल रहा है, उनके पास खेती का भी कोई साधन नहीं है, वो भूमिहीन परिवार हैं, और जिनको मिल रहा है उनमें खामियां हैं, उनके घरों में सरकारी नौकरी है, या फिर वो जो खाद्य सुरक्षा प्रणाली है वो उसके तहत दायरे से बाहर हो गए हैं। एक समय में कुछ लोग बाहर हो जाते हैं और कुछ उसमें नए हमें जोड़ने की जरूरत होती है, तो वो सरकार ने कोई संशोधन नहीं किया है, जो जरूरतमंद है वो इससे बाहर है खाद्य प्रणाली से। एक आशा वर्कर की जो कम्युनिटी में रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, और जब ये आया कोरोना वायरस तो हमें भी एक्चुअल में 20 मार्च तक तो हमें भी नहीं पता था अच्छे से कि ये क्या है, बस हम सुन रहे थे, टीवी पे देख रहे थे क्या है, और हमें ये भी नहीं पता था कि इसमें जो कार्य है वो फ्रंट लाइन में हमें ही करना पड़ेगा। फिर अचानक से सरकार का एक आदेश आ गया 25-26 मार्च को कि आशा वर्कर्स को जो है हर घर में जाना है, सर्वे करनी है, गाँव से बाहर कितने लोग काम करने जाते हैं, और गांव में सरकारी नौकरी वाले कितने हैं, पुलिस में कितने हैं, ड्राइवर कितने हैं, सब्जी वाले कितने हैं, दूध वाले कितने हैं, 10 साल तक के छोटे बच्चे कितने हैं, और 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग कितने हैं, गर्भवती महिलाओं का जो हमारे पास पहले से ऑलरेडी डाटा होता है
डाटा हमारे पास सारा होता है, लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा काम थे, दूध वाले, सब्जी वाले, सरकारी नौकरी वाले, पुलिस वाले या फायर वाले, मतलब एक एक बंदे की हमें डिटेल देनी थी कि गांव में कौन किस समय जाता है, किस समय आता है, उनके बाहर, घर के बाहर हमें क्वारंटीन पेपर लगाने थे, जिससे हमें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब हमने सरकार को ये डिटेल दी तो सरकार ने अदर स्टेट में, जैसे दिल्ली से हरियाणा में जाने पे रोक लगी, यूपी से हरियाणा में, या हरियाणा यूपी से दिल्ली में, सब पे रोक लगी, तो कम्युनिटी है जो, वो कम्युनिटी के लोग ये समझने लग गए कि हम जो है रिपोर्ट सरकार को हर रोज देते हैं, और आए दिन कोई ना कोई जो नया पछड़ा उनकी जान को खड़ा हो जाता है, वो हमारी वजह से हो जाता है। तो बहुत जगहों पर आशा वर्कर्स के ऊपर हमले हुए हैं, हमें लड़ाई झगड़े का सामना करना पड़ा है, क्योंकि लोग गरीब हैं, उनकी प्राइवेट नौकरी है, उनको अपना रोजगार जाने का डर था, और हम उनको लगातार बाहर जाने से रोक रहे थे, और अलग अलग तरह से हम उनके सर्वे कर रहे थे। और जब क्वारंटीन पेपर लगाए, लोगों को उनके घरों के अंदर रहने के लिए कहा गया, आप सेफ्टी रखिए, तो उससे उनको और भी, मतलब जैसे अभाव है, जैसे छुआछूत सा मान लिया लोगों ने इसको, कि हम, हमारे एक घर पे क्वारंटीन पेपर लगा दिया और हम तो पूरे गांव में अछूत हो गए, और एक जैसे हवास ही बन गई कि भाई फलाने घर में तो कोरोना है, उनके घर नहीं जाना, उनसे बात नहीं करनी। जब उनके घर पे कोई दूध, सब्जी या उनकी जरूरत की चीजें नहीं पहुंचा रहा था, तो एक आशा वर्कर को ही वो काम भी उनके करने पड़े हैं, कि वो नैतिकता का आधार है हमारा, हमें वहीं पे काम करना है।